क्या आप जानते हैं मरने के 13 दिनों तक आत्मा घर में ही रहती है। इसकी जानकारी हमें गरुड़ पुराण से मिलती है। गरुड़ पुराण में इंसान के सभी कर्मों की सजा के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में किस कर्म की क्या सजा है, इन सब का उल्लेख है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, उसके साथ क्या किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं। इन्हीं में से एक है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन अपने ही घर में रहती है। गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताता है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। यदि मृत्यु के पश्चात सही तरह से कार्य न किए जाएं, तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाता है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की और सुख समृद्धि को पाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मरने वाले की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेहरवीं की जाती है और पिंडदान किया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे की वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। अपने घर आकर आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार वाले जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बहुत बेचैन हो जाती है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका होता है और वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ हो जाती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं, 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति प्रदान करता है, इसलिए पिंडदान को बहुत जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।